हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की भेड़। कटहल की भेड़ के लिए जो सामग्री लगती है वो है, सब सामग्री है मैंने वो 7-8 घंटे तक भिगो के इसे एक एक बिस्तर करके कुकर में बॉईल कर लिया है। ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, इस तरह से बॉईल किया। उसका जो पानी था वो हमने निकाल दिया है। इसके लिए मैंने लिया है देसी चना, वाइट मटर, ग्रीन मटर, तुवेर और छोले। अभी इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। सिर्फ आधा चम्मच तेल डाला है, उसमें तुवेर बॉईल किए हुए डाल देते हैं। इसे एक एक डेढ़ मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ऑलरेडी हमने पका लिया है, नमक स्वादानुसार और थोड़ा लाल मिर्च। इस तरह से तुवेर हमारी हो गई। अभी इसे निकाल देते हैं। वापस आधा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के हो गया कि उसमें देसी चना डालेंगे। गैस थोड़ा धीमा कर देंगे, नमक थोड़ा डालेंगे स्वादानुसार, लाल मिर्च थोड़ी। उसका पानी भी टोटली पूरा निकाल लेना है। वापस आधा चम्मच तेल डालेंगे, गैस बड़ा करेंगे, उसमें छोले डालेंगे, लाल मिर्च थोड़ी डालिए, उसका कलर बढ़िया है और टेस्ट भी अच्छा लगे। एक एक मिनट तक ही करना है, ज्यादा हमें पकाना नहीं है। ऑलरेडी हम उसे पका चुके हैं, इसलिए उसे ज्यादा पकाना नहीं है। अभी इसे भी निकाल देते हैं, गैस भी बंद कर देते हैं। अभी इसमें नमक, थोड़े लाल मिर्च, थोड़े मिक्स कर दिए। कटहल को हमने पूरा ड्राई कर लिया है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इसे भी निकाल देते हैं। अब ग्रीन मटर डाल देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा पक गया है। नमक, लाल मिर्च, हमने अच्छी तरह से आधा आधा चम्मच तेल में सब तल कर लिया है। जिनको कटहल पसंद नहीं है वो इस तरह से भी भेल बना के खा सकते हैं। कटहल खाने के लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये कटहल हमने 5 जो थे वो अच्छी तरह से तेल में कर लिए हैं। अभी इसके लिए जो भेल के लिए जो लगता है वो है पूरी, सेव, ग्रीन चटनी, आमली की चटनी, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर,
ककड़ी, धनिया और प्याज। अभी इसे थोड़ा थोड़ा लेंगे, छोले, तुवेर, देसी चना, सफेद मटर, ग्रीन मटर, इसे ज्यादा गीला नहीं करना है। सेव पापड़ थोड़ा ही लेंगे, स्पून से करेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए हम ऐसे करते हैं ताकि पूरा का पूरा अच्छी तरह से रहे, इसलिए बाद में थोड़ा सा स्पून से हिला देंगे। लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, नमक संभाल के डाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले डाला हुआ है। चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, वापस इसको थोड़ा हिलाएंगे। थोड़ा धनिया डालेंगे, अभी इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे, इसमें निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ी सी ककड़ी, सेव, मीठी चटनी, लाल मिर्च, चाट मसाला, इस तरह से हमारी भेल रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, कठोर की भेल बनाई है, अभी तक किसी ने बनाई नहीं होगी, इतनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है और हेल्थ के लिए तो बहुत बढ़िया है। आप भेल बनाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और कठोर भेल ज़रूर बनाइए। धन्यवाद। पूरी में भी भर के पानीपुरी जैसे खा सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है। इस तरह से